यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सब लोग। मेरा नाम मोहित, आप देख रहे हैं मोहित गेम वर्ल्ड। तो गाइस आते लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो गाइस आप लोगों को पता ही था यार, हम लोगों ने जो इतना बड़ा काम किया था मतलब एयरपोर्ट पे जाके जो हमारे पीछे पुलिस वुलिस लग गई थी, देन उसके बाद पुलिस हमको यहाँ पे प्रिजन में लेके आ चुकी है। उसके बाद भाई मेरे को सजा सुनाने का सीन मतलब टाइम आना था, ठीक है। तो गाइस मेरे को सजा मिल चुकी है 5 साल की जेल। भाई साहब अगर 5 साल की जेल, मतलब मैंने ये दिमाग में सोचा तो था भाई अगर अगर हम जेल के अंदर रहेंगे तो हो सकता है कि भाई हम इन चीजों से सुरक्षित रहें। डगन बॉस, एल रूबियो, लिबर्टी वाला फ्रेंड और मिनी मद्राजो, इन सबसे हम सेफ रहेंगे। बट गाइस अलग ही पंगा पड़ गया भाई। इन्होंने हमको 5 ईयर की सजा सुना दिया और इन्होंने मेरे को एक लास्ट टाइम यूज करने के लिए फोन दिया है। ये बोल रहे हैं कि हम तेरे से फोन भी ले लेंगे। तो जिससे बात करना चाहता है फोन पे कर सकता है। मैं अभी लेस्टर को फोन कर रहा हूँ, लेस्टर को बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, तू प्लीज कुछ ना कुछ ऐसा कर, तू मेरे को बचा। तो लेस्टर को मैं ऐसे कॉल कर रहा हूँ, देन अभी मेरे को कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे को 5 साल की सजा तो इन्होंने सुना दी है, बट अभी जो ये चारों के चारों अभी भी बाहर घूम रहे हैं इनका पता नहीं। गाइस जल्दी जल्दी जाओ, गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर आप चाहते हो ना कि माइकल जल्दी से जल्दी छूट के बाहर आए, तो आपके एक सब्सक्राइबर से आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करोगे उतनी जल्दी माइकल बाहर आएगा और इन सब की बैंड बजाएगा। और गाइस मैं इस वीडियो पे एम करता हूं गाइस 3000 लाइक का। जल्दी से जल्दी इस 3000 लाइक कंप्लीट कर दो, इसका नेक्स्ट एपिसोड 3000 लाइक के बाद आने वाला है। तो चलो गाइस अभी मैं लेस्टर से पहले पूरी अच्छी तरीके से और बात कर लेता हूं। तो क्योंकि सर मेरी जो है ना भाई लेस्टर से बात हो चुकी है। लेस्टर बोल रहा है अभी तुम जेल में जाओ, 2 या 3 दिन का मेरे को टाइम दो, जेल के अंदर रहो कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 3 दिन का मेरे को टाइम दो, मैं आप कुछ ना कुछ तरकीब लगाता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा सीन क्रिएट करते हैं जहां से हम तेरे को आराम से लेके आ पाए। तो अभी यहाँ पे मेरे को बताया गया था तू जब कॉल पे तेरी बात हो जाएगी हम तेरे से मोबाइल ले लेंगे, देन उसके बाद तेरे को जेल के अंदर डाल देंगे। तो गाइस आप लिटरली हालत देख पा रहे हो भाई हमारी कितनी बुरी हो चुकी है। अभी जो भाई पुलिस वाला है ना वो मेरे को छोड़ के आएगा सीधा प्रिजन तक। तो मैं कब से वेट कर रहा हूँ भाई पुलिस वाला कौन, अच्छा ये आया है भाई, ये मेरे को लेके जाएगा। तो चलो गाइस यार ये पुलिस वाला आ चुका है भाई, ये मेरे को बोल रहा है सीधा सीधा चल और सीधा ये मेरे को प्रिजन तक छोड़ के आएगा। तो चलो गाइस अभी मेरे को प्रिजन तक जाना पड़ेगा क्योंकि ये पुलिस वाला ही मेरे को छोड़ के आएगा और सीधा सीधा मेरे को जाना है। और गाइस आप लिटरली देख पा रहे हो भाई बिल्कुल ही पीछे है ये पुलिस वाला और मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा और ये मेरे को सीधा बोल रहा है मतलब तेरे को प्रिजन तक मैं ही छोड़ के आऊंगा। और उसके बाद भाई प्रिजन में हमको 5 साल की सजा। भाई मैंने चलो ये बढ़िया कि लेस्टर को कॉल कर दिया, अभी हमारे पास फोन भी नहीं है, इन्होंने फोन भी हमारे से ले लिया है। तो मेरे को अभी सीधा सीधा जाना पड़ेगा यहाँ पे, मेरे को थोड़ा सा मेरे को इन्होंने बोला है गेट नंबर 7 पे जाना है, तो ये तो कोई गेट नहीं है मतलब ये तो यहाँ पे पता नहीं यार मुझे लगा, हाँ सॉरी इधर जाना है, गेट नंबर 7 इधर ही। और भाई मेरे से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा और भाई साहब पुलिस वाला बिल्कुल मेरे पीछे एम करके बैठा, कह रहा तो कुछ भी किया तो मत्थे पे गोली मारूंगा। और भाई साहब एकदम से मुझे ये वाला गेट है ना वहाँ पे अंदर एंटर करना है भाई, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और डगन बॉस वगैरह सबके सब ऐसे खुले पड़े हैं, उनका क्या होगा। और यहाँ पे मेरे को सीधा अंदर जाना, ये देखो हमारी कैंटीन वगैरह आ चुकी है, यहाँ पे हमको कर मतलब खाना पीना हमको यहाँ पे मिलेगा। बस यार थोड़ा साफ सुथरा खाना वाना दे दियो, 5 साल हम यहीं पे हैं कोई टेंशन नहीं है। अरे नहीं नहीं यार 5 साल तो नहीं रहना। तो भाई साहब हम आ चुके हैं इधर, अभी हमको जाना है 7 नंबर रूम में। तो सीधा सीधा मेरे को चलते जाना है, पुलिस वाला भाई बिल्कुल ही मेरे पीछे ही आ रहा है भाई साहब। और मेरे को डायरेक्ट 7 नंबर इधर है भाई, सीधा जाना है मेरे को 7 नंबर में। चलो गाइस सर चलते चलते हम काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुके हैं और ये 7 नंबर वाला रूम देख रहे हो, यहाँ पे मेरे को जाना है और सीधा अंदर जाके ना भाई मेरे को एक प्रिजन के अंदर बंद कर देंगे। और कब तक मैं उस 4 दीवारी के अंदर बंद रहूँगा मेरे को कुछ पता नहीं है, कब मेरे को कौन छुड़ाने आएगा। अभी मैंने लेस्टर को तो बता दिया, लेस्टर मुझे तो पता है गाइस लेस्टर कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, वो छुड़ा लेगा मेरे को। बट यार अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे को 5 साल की जो सजा हुई है क्या हम बच पाते हैं या नहीं भाई। बहुत पुलिस जो है ना वो तो हमको छोड़ने वाली नहीं है। और यहाँ पे मेरे को अपने इंस्पेक्टर साहब बताएंगे कि कहाँ पे मेरे को कौन सा सेल मेरा है। तो चलो गाइस यार ये इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं कि चल मेरे पीछे पीछे आ जा, तेरा जो सेल नंबर है मैं तेरे को वहाँ पे कर दूंगा। और मैं मेरे को बोल रहा है अगर तूने कोई भी जल्दबाजी यहाँ पे की तो टेंशन मत ले, पीछे से गन मारूंगा तेरे को। और गाइस मेरे को यहाँ पे इसने बोला है कि यहाँ पे तू जा, ये वाला गेट जो है वो मेरे लिए खुल चुका है। और सीधा मेरे को बोल रहा है यहाँ पे बैठ जा अपना आराम से अंदर। तो चलो गाइस आप देख पा रहे हो भाई लिटरली हमको इन्होंने प्रिजन के अंदर बंद कर दिया भाई, प्रिजन में कोई भी नहीं है। और गाइस मेरे को अकेले को बंद किया, क्या मेरे अकेले के लिए ये प्रिजन बना रखा है क्या। थोड़े जिम विम करने के लिए वहाँ पे थे बट यहाँ पे कोई भी नहीं, क्या पता शायद हो सकता है वो प्रिजन के जो भी बंदे सब इधर है। भाई ये देखियो कैसे गन अंदर करके सिगरेट पीने में लग गया। कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं,
ठीक है तो चलो गाइस हमने यहाँ पे ऐसे बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो चलो गाइस यार हम जो है भाई अपना आराम से सिगरेट विगरेट पी लेते हैं और यहाँ पे बस सिगरेट पी के अपना आराम से भाई बैठ जाते हैं ना, क्योंकि हमको यार बैठना भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं भाई। बस सिगरेट के दो तीन मतलब सुट्टे वुट्टे मारते हैं और आराम से अपना बैठते हैं। ये इंस्पेक्टर साहब क्यों आए? इंस्पेक्टर साहब कैसे हो? अबे भाई ये मार क्यों रहा है? अबे तेरी भाई 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 क्यों मार क्यों रहे भाई 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 साहब ये तो पक्का इसकी ऐसी की तैसी तल तेरी ऐसी की तैसी भाई मेरी पहले जाने। अबे यार गाइस भाई साहब मेरे को बहुत ज्यादा अबे यार भाई साहब बहुत बुरी हालत कर रहा है भाई ये। वो इंस्पेक्टर भाई साहब मेरे को काफी ज्यादा मार मार के बाहर चले गए हैं भाई। अभी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। लेसर कब तक भेजेगा मेरे को छुड़ाने के लिए, वो भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं भाई कब तक लेसर मेरे को बुचाने के लिए आता है, तो मैं तब तक सो जाता हूँ यहाँ पे। तो चलो गाइस यार मेरे को कम से कम नहीं तो भाई प्रिजन में रहते रहते 2 दिन हो चुके हैं गाइस। अब 2 दिन में हमारी हालत देख पा रहे भाई, इसी हालत हो चुकी है। खाने पीने को कुछ भी नहीं है, मतलब खाना पीना तो हो ही चुका है बट भाई यार अभी तो आराम ही कर रहा हूँ मैं यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई कब तक लेस्टर जो है कब तक वेट करवाएगा। उसने पहले से ही मेरे को बोला था 2 या 3 दिन लग जाएंगे बट अभी तक यार लेस्टर का कुछ आता पता नहीं है भाई। लेस्टर कब तक आएगा और मेरे को कब तक बचा के लेके जाएगा लेस्टर? यार मैं कब से लेस्टर की वेट कर रहा हूँ, कब क्या करेगा भाई लेस्टर का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई ये तो ट्रेवर है ना? अबे भाई ट्रेवर भाई मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा और उसने दरवाजा भी खोल दिया। अबे एक मिनट मैं नीचे उतरता हूँ भाई। ये तो एकदम से ट्रेवर आया है भाई, मेरे को मुझे लग रहा है भाई ट्रेवर मेरे को कह रहा है कि तू मेरे पीछे पीछे चल। और भाई ट्रेवर ना मेरे को मुझे लग रहा है ऐसे कह रहा है कि मेरे पीछे पीछे चल और एकदम से पुलिस वाला बन के भाई कैसे इसमें भाई मुझे लग रहा है ना ये लेस्टर का बहुत खतरनाक प्लान है। और मेरे को ये पीछे इसके क्या बैग सा टंगा हुआ है मुझे भाई कैसे लेके जाएंगे ये बाहर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इतने सारे प्रिजनर यहाँ पे है भाई, किसी ने पहचाना नहीं है हमको। तो चलो गाइस यार मेरे को ड्राइवर जो है ना भाई वो पता नहीं बोल रहा है कि तू सीधा सीधा मेरे साथ साथ चल और तेरे को बाथरूम तक भाई पता नहीं क्यों बोल रहा है। यहाँ से तो बाथरूम आता है ना भाई, ये बाथरूम में मेरे को क्यों लेके जा रहा है? एक सेकेंड। तो चलो गाइस यार ये बैग मेरे को ना ड्राइवर अभी यहाँ पे छोड़ के गया। ये या बैग में से ना हम कपड़े मुझे लग रहा है ना, वो ड्राइवर बोल रहा है इसमें एक गन और कपड़े हैं। तो चलो गाइस मैं यहाँ से एक बार कपड़े और गन सब लेता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। चलो गाइस यार इस बैग में से हमको ये वाले कपड़े मिले और एक गन मिल चुकी है हमको भाई। लिटरली माइकल गाइस देख पा रहे भाई पूरा पुलिस वाला लग रहा है। हमारे ग्लासेस जो है वो भाई प्रिजन में ही रह गए, तो चलो कोई बात नहीं। अभी भाई ड्राइवर जो है वो यहाँ पे ये खड़ा भाई ड्राइवर। तो भाई ट्रेवर तू बाद में अपना स्मोकिंग वोकिंग कर लियो। तो चलो ट्रेवर अब चलते हैं। तो चलो गाइस ट्रेवर जो है ना वो मेरे को यहाँ से प्रिजन में से निकाल दे के लिए कैसे कैसे भाई ये पक्का भाई लेस्टर का प्लान है भाई। लेस्टर ही ऐसे तगड़े तगड़े प्लान बनाता है कि ताकि किसी को पता ही ना चले और हम जो है भाई ट्रेवर के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। चलो गाइस यार ट्रेवर के पीछे चलते चलते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये वाले ऑफिस में जाना है और नीचे से हम आए भाई किसी को पता भी नहीं चला, किसी को लग ही नहीं रहा कि वो माइकल द गैंगस्टर ही है। तो चलो गाइस ये देखो भाई हम यहाँ पे आ चुके हैं भाई। ये जो इंस्पेक्टर है ना ये फ्रेंड है भाई मुझे लग रहा है लेस्टर का। तो चलो गाइस इससे बात कर लेते हैं भाई। गाइस अपन को ना ये वाला जो बंदा है ना ये बोल रहा है कि तुमको मास्क पहनना पड़ेगा अगर तुम ऐसे जाओगे, अगर तुमको किसी ने पहचान लिया तो भाई इसकी नौकरी भी जा सकती है और ऊपर से पुलिस जो वो बुरा हाल करेगी वो अलग। तो ये बंदा बोल रहा है कि पहले तुमको यहाँ पे कोई मास्क वास्क देगा ये बंदा। तो चलो गाइस यार ये वाला मास्क जो है ना वो हमको मिला है यहाँ से और बोल रहा है कि भाई ये वाला मास्क पहनो और निकल जाओ, हमको टोपी उतारनी पड़ गई इस मास्क के कारण। तो अभी ड्राइवर का पीछा करते करते हमको जाना है और भाई ये वाला मास्क कैसा लग रहा है गाइस जल्दी जल्दी कॉमेंट में जरूर बताना भाई। तो ये मास्क हम पहन लेके निकलते हैं यहाँ से और यहाँ हमको ऊपर जाना है। तो ऊपर जाते हो और हमने ना गाइस यहाँ से गन्स भी बहुत सारी ले ली है, तो गन्स मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो गाइस हमको ना इस बंदे का पीछा करते करते यहाँ से बाहर निकलना है। ये बंदा ना भाई पुलिस वाला ही है, मतलब ये बस लेस्टर का फ्रेंड है जो लेस्टर की मदद कर रहा है और पीछे ट्रेवर आ रहा है भाई। किसी को पता नहीं लगना चाहिए, यहाँ पे प्रिजनर इतने सारे हैं ना किसी को कोई फर्क नहीं लगनी चाहिए कि हम यहाँ पे हैं और हमको यहाँ से जैसे तैसे करके बस मर्जी बाहर निकलना है। और ये बंदा हमको यहाँ से लेके जा रहा है, ये बंदा या बाहर जा गया। तो चलो गाइस यार यहाँ से बाहर निकलते हैं पहले जल्दी जल्दी। तो चलो गाइस इस बंदे ने ना हमको ये वाली गाड़ी का इंतजाम करके दिया, हमको ना भाई इस गाड़ी में बैठना और जल्दी से निकलना है भाई, इस प्रिजन से बाहर निकलना है। उसके बाद डगन बॉस एल रूबियो जितने भी है ना भाई ये इनको किसी को छोड़ने नहीं वाला और ट्रेवर भी बैठ चुका है। तो चलो भाई ये बंदा हमको यहाँ से बाहर तक ले जाएगा, उसके बाद बाहर ले जाके ना भाई आप लोग लिटरली देखना उसके बाद इस डगन बॉस की ना बहुत बुरी बैट बजाने वाला हूँ। तो चलो गाइस यार हम ना भाई यहाँ से पहले निकलें, यहाँ पे जो इतने सारे गार्ड्स हैं ना उनका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक कि ये बंदा यहाँ पे खड़ा क्या कर रहा है?
भाई इस बंदे ने ना हमको पहचान लिया था, तो हमारा वाला बंदा यहाँ से निकल के ना भाई इसको मारने गया था, इन दोनों को मार दिया। और हमको यार भाई यहाँ से बाहर निकलना है, और यहाँ से हमको निकलना है बाहर क्योंकि कोई और देख ना ले। तो चलो गाइस हमको यहाँ से अभी बाहर निकलना है। और पुलिस वाली गाड़ी भाई ये बंदा इसलिए लेके आया था क्योंकि इतने सारे गार्ड्स थे ना, उनमें से कोई और देख ना ले। तो चलो गाइस हमने जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, बस उसके बाद फिर बाहर निकल के भाई उसके बाद फिर माइकल जो है ना वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, देन उसके बाद हम भाई इन सबको इतना मारेंगे ना भाई। तो चलो गाइस यार यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं एकदम से, बस बाहर देखना कोई और हमारा कोई वेट तो नहीं कर रहा, बस एकदम से मैं यहाँ पे देख लूँ। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है और एक बंदा ना भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है, और अगर हमने इसको मारा भाई कोई बहुत पंगा हो जाएगा, हमको ना यहाँ से बाहर भी निकलना है। और वो एक गाड़ी खड़ी है, उसी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस बंदे का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई ये जो ड्राइवर है ना भाई ये बंदे को मारने के लिए गया है, और भाई पुलिस पीछे पड़ गई। अबे तेरी ऐसी कितनी सी, भाई पुलिस कैसे पीछे पड़ गई। अबे ओए ड्राइवर जल्दी जल्दी बैठ, ड्राइवर कौन सी गाड़ी में बैठेगा भाई, पुलिस बहुत ज्यादा पीछे लग गई है। चलो गाइस हमको ये वाली गाड़ी में बैठना पड़ेगा, भाई पुलिस जो है ना बहुत ज्यादा पीछे लग चुकी है। भाई ड्राइवर अपने आप आराम से अपनी गाड़ी चला लेगा, मैं इनकी ऐसी की तैसी बचाता हूँ, मैं तेरी ऐसी की तैसी, मुझे कोई ढंग की गाड़ी लेनी पड़ेगी। ये पुलिस वालों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा भाई, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करके देखता हूँ, अगर बॉम्ब ब्लास्ट से कुछ होता है तो बॉम्ब ब्लास्ट करके देखते हैं। भाई इनके ऊपर ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंकते जा रहा हूँ भाई, देखते हैं कुछ ना कुछ सीन होता है या नहीं। यार हमारी गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी अगर ऐसे ही चलता रहा तो। भाई भाई बहुत ज़्यादा पुलिस वाले पीछे पड़ चुके हैं भाई, मुझे ना कोई और गन देखनी पड़ेगी, कोई और गन लेता हूँ मैं, रुको। भाई ये देखो भाई कितने सारे हैं यार पुलिस वाले, कुछ ना कुछ मेरे को करना पड़ेगा अभी इनको। भाई गाड़ी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, कुछ ना कुछ तो सीन देखना पड़ेगा हमको। अबे यार गाड़ी भाई फंस चुकी है, अभी बाहर निकलना पड़ेगा, इनकी ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी। चलो गाइस इसको ऐसे बजाते हैं भाई, इनको पुलिस वालों को तो ऐसे ऐसे मारना पड़ेगा भाई। अभी मेरे को ना एक काम करते हैं, ये वाली वीडियो मेकर मेरे पास है, इसको लेते हैं और ये पहले हेलीकॉप्टर्स को साइड पे करते हैं क्योंकि हमको ना अभी गन की ज़रूरत है। हमारे पास गन नहीं है, बिल्कुल भी गन नहीं है हमारे पास, और मुझे लग रहा ना मेरे पास अभी, और मेरे को RPG लेनी पड़ेगी। पुलिस बहुत ज़्यादा पीछे लग चुकी है भाई हमारे, और यहाँ पे पहले इनको पूरा पुलिस वालों को ख़त्म करना पड़ेगा। और भाई बहुत तेरी ऐसी की तैसी भाई, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अभी। चल 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 चल। तो चलो भाई हम ना इस भाई कैसे कैसे हम इसको मारे, तब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। एकदम से इतने सारे पुलिस वाले हर जगह पे कैसे खड़े हो गए भाई। माइकल इनको जैसे भी किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि इन्होंने 5 साल की सजा माइकल को सुनाई थी, और भाई माइकल तो 2 दिन में ही बाहर निकल गया। तो चलो गाइस यार यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा भाई, कितने सारे भाई 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 ये तो बहुत ज़्यादा पुलिस, इतनी ज़्यादा पुलिस भाई 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 साहब। अबे यार ड्राइवर से भी इतनी ज़्यादा भाई, चल नहीं रही है गाड़ी, ड्राइवर काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहा है, मुझे लग रहा है गाड़ी ख़राब हो चुकी है। तो चलो गाइस यार चलते चलते हम काफ़ी ज़्यादा दूर तक पहुँच चुके हैं, बट यार पुलिस अभी भी मेरे पीछे है, मुझे ना कोई अच्छी सी गन लेनी पड़ेगी। इतनी सारी गन मेरे को दे दिया ना भाई ड्राइवर ने, इस गाड़ी में इतनी सारी गन्स थी ना, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को कौन सी गन लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी गन्स है भाई यहाँ पे। अच्छा चलो ये वाली गन आ चुकी है, अभी आके दिखाओ भाई पुलिस वालों, अब तो तुम्हारी बैंड मैं बजाता हूँ। भाई ड्राइवर बोल रहा है ये वाली गाड़ी लेनी है हमको, भाई भाई एकदम से पुलिस वाले। अबे तेरी ऐसी की तैसी, छोड़ 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 गाड़ी, छोड़ गाड़ी, छोड़ चल चल गाड़ी, छोड़ चल चल, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा भाई। चलो हम गाइस पीछे बैठ जाते हैं, जल्दी जल्दी निकलो जहाँ से, ड्राइवर निकल जल्दी जल्दी, अब जो भी आए ना किसी को छोड़ने नहीं वाले भाई हम। तेरी ऐसी की तैसी, आ सही तू, जो भी आएगा ना अब तो भाई किसी को छोड़ने नहीं वाले, सारी ऐसी की तैसी। चलो गाइस यार यहाँ पे हम थोड़ा सा छुपने के लिए आए हैं, बट मेरे को नहीं लग रहा भाई, नहीं 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 भाई नीचे, ड्राइवर ड्राइवर क्या कर रहा है भाई, ड्राइवर क्या कर रहा है। चलो 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 भाई यहाँ से हमको कैसे तैसे मर्जी करके बाहर निकलना है। और भाई हेलीकॉप्टर कब से हमारे पीछे लगे पड़े हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। और भाई ड्राइवर कब से गाड़ी चला ही रहा है भाई, आप लोग लिटरली देख पा रहे हो भाई, हम यहाँ से छुपने के लिए आए हैं, एक मिनट छुप के देखते हैं भाई अगर पुलिस हमारा पीछा छोड़ती है, बट नहीं यहाँ पे भी आ चुकी है इनकी ऐसी की तैसी। चलो 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 भाई बहुत, अभी तो भाई मैग भी लगा लिया हमने पूरा भाई। ये देखो अभी ये जो हेलीकॉप्टर है ना इसने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा हुआ है हमको। चलो गाइस यार हम चलते चलते जा रहे हैं भाई, यहाँ पे ना कुछ बाइक्स खड़ी है भाई, ये बाइक्स उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं भाई साहब। अबे उतार दिया मेरे को, अबे पागल पागल है ड्राइवर, यार तू क्या कर रहा है भाई, ड्राइवर जल्दी जल्दी बाइक ले भाई, ड्राइवर जहाँ पे मैं जब तक ख़त्म करता हूँ इनको, तू बाइक ले जल्दी जल्दी बाइक ले पहले तो, और यहाँ तक मैं इनको ख़त्म करता हूँ तू बाइक ले ड्राइवर, और बाइक में बैठ के निकलते हैं यहाँ से क्योंकि बाइक से हमको आसान रहेगा। तेरी ऐसी की तैसी, पहले तू निकल, तेरी ऐसी की तैसी, चल 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 चल।
भाई ड्राइवर बाइक भाई चल 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 ड्राइवर मेरे को बिठा ले पहले। चलो गाइस हम ना यहाँ पे बाइक पे बैठ चुके हैं। अबे ड्राइवर अभी सही से चला लेगा अभी ड्राइवर। तो चलो गाइस मैं इनको ना भाई जितने भी है ना मैं इनकी बैंड बजाता जाऊंगा जब तक, ठीक है। तो उसके बाद भाई यहाँ से हम निकलते जैसे तैसे मर्जी करके। ड्राइवर बहुत अच्छी अभी ड्राइविंग कर रहा है बाइक की, तो हमको ना भाई बस ऐसे ही जैसे जहाँ से भी निकलना है। तो गाइस यार हम ना भाई कल चलते चलते काफी ज्यादा दूर तक आ चुके हैं और भाई यहाँ पे पुलिस का बहुत ज्यादा सीन हो रखा है। और भाई एक घर दिख रहा है किसी का, ये वाला घर कौन सा है भाई? अबे तेरी ऐसी की तैसी घर में भाई बहुत, यहाँ पे भी पुलिस वाले। और मुझे लग रहा है ना भाई पुलिस वालों का यहाँ पे कुछ सीन करना पड़ेगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी निकलो यहाँ से भाई, इनकी ऐसी की तैसी बहुत हो गया अब तो लिटरली बहुत हो गया भाई। कब से ज्यादा इनको हम देख ही रहे हैं भाई, अब तो नहीं छोड़ने वाले। इनको भी पता तो चले माइकल और ट्रेवर क्या चीज क्या है। तेरी ऐसी की तैसी अब तू बच के दिखाइए, चल तेरी ऐसी की तैसी भाई। अब थोड़ा सा यहाँ पे छुपते हैं। अबे भाई साहब अब यहाँ पे थोड़ा सा छुपते क्या है भाई, यहाँ पे भी इतने आ रखे और यहाँ से छुपते हैं। जल्दी जल्दी यहाँ पे कहीं पे छुप जाते हैं। चलो गाइस हमको ना यहाँ से निकलना पड़ेगा और छुपने की जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस आ चुकी है। अभी देखते हैं भाई कहाँ पे ड्राइवर मेरे को लेके चलता है। ड्राइवर मेरे को बोल रहा है मैं तेरे को ऐसी तगड़ी जगह पे लेके जाऊंगा ना जहाँ पे पुलिस का कोई भी नहीं पहुंच सकता। अभी देखते हैं गाइस क्या सीन होने वाला है। मुझे लग रहा है ना पुलिस से अभी थोड़ा सा भागना पड़ेगा क्योंकि पुलिस वाले बहुत है। हम जितना इनको मारते जाएं उतना ही आते जाएंगे। ओके गाइस यार काफी टाइम वेट करने के बाद यहाँ से पुलिस जो है ना वो हट चुकी है। तो भाई मेरे को यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी मतलब पुलिस वाले हमको बस पकड़ ना ले, क्योंकि अभी जो पुलिस है ना गाइस आप लिटरली देख पा रहे हो हट चुकी है। तो चलो गाइस अभी मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ भाई माइकल के घर की तरफ। चलो गाइस अभी ट्रेवर बोल रहा है चलो मैं तेरे को घर पे छोड़ के आता हूँ। भाई ट्रेवर लिटरली बहुत अच्छा फ्रेंड है गाइस। क्या लगता है गाइस आप लोगों को, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि क्या लगता है गाइस बहुत तगड़ा फ्रेंड है या नहीं ट्रेवर, जल्दी जल्दी बताओ यार कमेंट में। तो चलो यार गाइस ड्राइवर कह रहा है कि मेरे भी बहुत सारी गन्स लग चुकी है, प्लीज तू ड्राइव कर ले। तो चलो गाइस मैं ड्राइव कर लेता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे पुलिस हमको कहीं पे पकड़ ले, बस थोड़ा सा मुंह नीचे कर करके हमको जाना पड़ेगा और पुलिस हमको कहीं पे भी ना ढूंढ ले। अबे तेरी भाई ढंग से चला लो यार गाड़ी, अभी तो हमारे लगे पड़े हैं भाई यहाँ से। बस अभी जो माइकल का घर है ना माइकल के घर पे जाके कपड़े वपड़े चेंज करते हैं आराम से। तो चलो गाइस आप लिटरली देख पा रहे हो हम आ चुके हैं भाई माइकल के घर की तरफ। ये भाई जो गेट है वो खुल चुका है। तो चलो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, अभी आराम से अपना उतरते हैं और जल्दी से चलते हैं अपना अंदर और कपड़े चेंज करते हैं। और दगन बॉस एल रूबियो लिबर्टी फ्रेंड और मिनी मद्रासो तुम्हारी ऐसी की तैसी अब तुम लोगों को मैं छोड़ देने वाला। तो चलो गाइस मैं अभी कपड़े चेंज करने चल जाता हूँ। तो चलो गाइस यार ऊपर जाके अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं भाई जल्दी जल्दी, इतना सारा खून लगा हुआ है ये सब खून निकल जाएगा। पहले कपड़े चेंज करते हैं, मास्क वास्क हटाते हैं, उसके बाद भाई जल्दी जल्दी एक अपने लिए फ़ोन खरीदना पड़ेगा। हमारा जो फ़ोन है ना भाई वो रह गया पुलिस स्टेशन में, क्योंकि जो पुलिस वाला जो मतलब वो गार्ड था ना जो इंस्पेक्टर साहब थे जिन्होंने हमको छुड़ाया है ना वो मतलब वहाँ पे काम करते थे, मतलब एज ए इंस्पेक्टर उन्होंने मेरे को वो क्योंकि लेस्टर के फ्रेंड थे उन्होंने मेरे को छुड़ाया, ठीक है। मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ना वहाँ पे, क्योंकि एक जिस पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे को किडनैप किया था वो बहुत ऊंची पोस्ट पे है। अगर जो हमारे जो लेस्टर के फ्रेंड वाला जो पुलिस वाला था ना अगर वो मोबाइल दिलवाने की या हमारा सामान दिलवाने की कोशिश करता ना तो उसकी जॉब भी जा सकती थी, क्योंकि माइकल लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा खतरनाक गैंगस्टर है जो कि उनके हाथ में आ गया था। तो उस बंदे ने हमको वहाँ से निकाल दिया है। तो अभी जल्दी जल्दी हम यहाँ से कपड़े पहनते हैं और मुझे लग रहा है ना मुझे मास्क की जरूरत तो पड़ेगी। मास्क मैं नहीं उतार सकता क्योंकि मास्क के बिना अगर मैं घूमूंगा यहाँ पे तो पुलिस मेरे को आराम से पकड़ लेगी। तो पहले मैं ना कपड़े चेंज कर लेता हूँ, पहले अच्छे से कपड़े पहनते हैं। तो चलो गाइस हमने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं और हमारा खून वगैरह सब हट चुका है और मेरा मन कर रहा है भाई ये मास्क ना मैं कोई और देखूँ अगर मेरे पास है तो। नहीं भाई मास्क हमारे पास यही है तो मास्क हमको यही पहन के घूमना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा पूछेगा मास्क वास्क हटाने का तो भाई देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस सबसे पहला काम हमको जो आज करना है वो है हमारे लिए अपने लिए फ़ोन खरीदना। एक भी फ़ोन हमारे पास नहीं है और ऊपर से गाइस आप देख पा रहे हो मेरे पास भाई $21। भाई ये भी क्यों छोड़े, ये भी निकाल लेते ना भाई, चिल्लर ही छोड़े मेरे पास। तो आज गाइस हम अपनी लैम्बोर्गिनी निशान काफ़ी टाइम के बाद ड्राइव करेंगे। मेरी लैम्बोर्गिनी निशान यहाँ पे खड़ी है। अबे ये गाड़ी को क्या हुआ, ये गाड़ी को क्या हुआ एकदम से, इतनी ब्लास्ट ब्लास्ट क्यों हुई ये गाड़ी। चलो कोई बात नहीं भाई, ये गाड़ी भाई मुझे ना ये बैनी के पास पहुंचानी पड़ेगी। बैनी मैं बैनी को कॉल करता हूँ, बैनी अपनी ये गाड़ी ले जाएगा। तो क्या सर मेरी बैनी से बात हो चुकी है, बैनी बोल रहा है मैं अपने आप ये वाली गाड़ी ले जाऊंगा। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पे क्यों भाई, आग वाग तो नहीं लगी भाई, घर पे कोई सीन तो नहीं होगा क्या भाई, ये भी गाड़ी ब्लास्टेड है भाई, ये किसके काम है, ये दोनों गाड़ियां कैसे ब्लास्ट हो गई भाई, ये दोनों गाड़ियां कैसे ब्लास्ट हो सकती है भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। और जिमी भी ढूंढ रहा है भाई, जिमी बोल रहा है कैसे ये गाड़ियां ब्लास्ट हो गई, ये पता कर रहा है ये दोनों गाड़ियां ब्लास्ट कैसे हुई
चलो यार छोड़ो इसको यार, अपनी लैम्बोर्गिनी शियान लेते हैं और जल्दी जल्दी निकलते हैं फोन खरीदने के लिए अपने लिए। चलो गाइस यार यहाँ पे हमारी लैम्बोर्गिनी शियान खड़ी है। तो चलो गाइस ये भाई देख पा रहे काफी टाइम के बाद हम अपनी लैम्बोर्गिनी शियान में बैठने वाले हैं आज। तो चलो गाइस यार यहाँ से फिर निकलते अपनी लैम्बोर्गिनी शियान को लेके, और उसके बाद ना भाई पहले एक बार मोबाइल खरीद लेते हैं। मतलब मोबाइल खरीद तो नहीं पाएंगे भाई, $21 है हमारे पास भाई, $21 से मोबाइल थोड़ी ना आएगा। तो चलो भाई कोई बात नहीं, एक बार दुकान पे जाके रेट प्राइस वगैरह पता करते हैं भाई, दुकान में क्या प्राइस है मोबाइल का, देन उसके बाद कुछ ना कुछ पैसों का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा भाई। $21 है भाई हमारे पास, $21 में भाई कुछ भी नहीं आ सकता। बट यार गाइज हमको पैसों का जुगाड़ तो कुछ करना पड़ेगा, और मैंने गाइज मास्क लगा रखा है इसीलिए कि हमको कोई पहचान ना पाए। बट बस मेरे को ध्यान देना होगा जहाँ पर भी पुलिस होगी ना, उन पुलिस वालों से बच बच के मेरे को जाना पड़ेगा। और मैं गाइस अपनी गाड़ी सच्ची में इतना ज़्यादा भगाते जा रहा हूँ ना, इतनी ज़्यादा भगाते जा रहा हूँ कि अगर पुलिस वाले देखे भी ना तो उनको शक भी ना पड़े, मैं इतना मतलब तेज़ भगाता जा रहा हूँ। तो चलो गाइस मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ अभी। तो भाई मतलब मेरे को पहले शॉप पर जाना है, डिजिटल डेंज शॉप है ठीक है, वहाँ पर जाके अपन मोबाइल अपने लिए पता करते हैं, उसके बाद पैसों का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। गलत काम हमको करने नहीं है, नहीं तो भाई फैमिली जो है वो फिर से भाई चली जाएगी अगर उनको पता चला मैं फिर से गलत काम पे आ गया। बाकी देखते हैं भाई, पैसों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये हम आ चुके हैं अपने शॉप पे, और ये रही शॉप, और ये हम आ चुके हैं शॉप पे। मैं अपनी गाड़ी यहीं पर पहले पार्क कर लेता हूँ भाई सही से, और ऐसी कोई गाड़ी वाड़ी फिर से कोई उठा के ले जाए तो यहाँ पर लगा लेते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये गाइस शॉप है, यहाँ पर हमको मोबाइल मिल सकता है, तो पहले चलते हैं अंदर। चलो गाइज यार हम अंदर तो आ चुके हैं भाई, यहाँ पे इनके पास बहुत कुछ है। और गाइज मैं ना यहाँ पे आया हूँ इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे पता कर सकूँ वो फिर से हैकर वाला सीन तो नहीं है, फिर से कहीं पता चले हमारा मोबाइल वगैरह बैंक अकाउंट वगैरह हैक हो जाए, वो सीन दोबारा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हैकर जो था ना वो काम कर रहा था डगन वो उसके लिए, तो अभी वो हैकर तो भाई सुधर गया होगा क्योंकि जो उसका भाई था वो मर गया था, मुझे लग रहा है अभी तो उसका अभी जो हैकर है वो तो सुधर गया होगा। तो चलो पहले यहाँ पे मोबाइल ले लेते हैं, पहले कोई ढंग का मोबाइल ले लेते हैं। तो ओके गाइस यार ये कह रहा है भाई $800 का तुमको मोबाइल पड़ेगा, और गाइस लिटरली देख पा रहे हो $21 है हमारे पास। पहले पैसों का जुगाड़ करके आते हैं फिर देखते हैं भाई हैकर का क्या सीन है। तो चलो गाइस पहले कुछ ना कुछ पैसों का जुगाड़ करते हैं। चलो यार अपनी गाड़ी लेते हैं भाई, कोई ना कोई सीन तो सोचना पड़ेगा पैसों का। भाई मुझे लग रहा है ना कोई जो छोटे मोटे स्टोर्स होते हैं ना उनको लूटते हैं ठीक है, उनको लूटते हैं तो पता भी नहीं चलेगा। और भाई लूटना हमको यहाँ पे सिटी वाली साइड नहीं है, गाँव वाली साइड लूटते हैं, जो ट्रेवर के साइड है, ट्रेवर के साइड वाले गाँव वाली साइड चलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ पर 2-3 स्टोर लूटेंगे आराम से, इतने पैसे मिल जाएंगे और किसी को फनक तक नहीं लगेगी भाई हम यहाँ पे चोरी हुई, यार मैं कहाँ पे आ गया। चलो गाइस मैं जल्दी से निकलता हूँ ट्रेवर के गाँव की तरफ। चलो गाइस मैं अपनी गाड़ी भगाता भाई काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूँ, और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा आगे जाके राइट लेना है, राइट लेके सीधा सड़क जाएगी। सीधा सड़क पे जाते जाते भाई यहाँ पे जो सड़क है ना यहाँ पे पुलिस बहुत घूमती है, और मेरे को ना भाई बस वो नीचे हाईवे पे जाना है, और हाईवे पर बहुत ज्यादा पुलिस घूमती है, और मेरे को बच के थोड़ा सा जाना पड़ेगा क्योंकि अगर पुलिस ने मेरे को देख लिया ना भाई, उन पुलिस वाले भी ढूंढ रहे हैं माइकल को, पुलिस वालों को अभी तक माइकल का घर का पता नहीं चला। तो आप लोगों को पता ही हम पुलिस वाले बनके कैसे वहां से निकले, कितना बढ़िया लेस्टर का ये वाला प्लान था। तो चलो यार अभी हमको कोई गलत काम नहीं करने, बस इतना ही काम करना है कि हमको पैसे चाहिए। तो ये हम यहाँ पे आ गए, और ये देखो गाइस ऐसा एरिया है ना ये गाँव वाली साइड जहाँ पे अगर हम छोटी मोटी रॉबरी कर भी लेंगे ना तो किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे अगर पुलिस भी आती है ना तो बहुत टाइम के बाद आती है। आप लोग देखा ही है भाई हम गांव की तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे देख पा रहे हो भाई लोगों के घर तक नहीं है, पुलिस तो कहाँ से आएगी। तो चलो गाइस मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ। अबे भाई अबे यार बच गया यार, ये डियर बेचारा वैसे ही नीचे आ जाता, और ये गाड़ी जा रही है। चलो यार गाइस मैं यहाँ से निकलता हूँ। अभी चलो गाइस यार हम अपनी गाड़ी भगाते भगाते आ चुके हैं भाई। अभी ना जो यहाँ पे स्टोर है ना भाई 2-3 स्टोर लगातार इकट्ठे ही हैं ठीक है, तो उन स्टोर्स में हमको क्या करना है, वो 2-3 स्टोर में से ना मतलब हम 2-3 स्टोर में लगातार रॉबरी कर लेंगे तो हमारे जो पैसे हैं ना वो उतने आराम से बन जाएंगे ठीक है, जितने हमको चाहिए। हमको चाहिए $800 ठीक है, बाकी के बड़े बड़े पैसों के लिए कुछ ना कुछ और करेंगे। और यहाँ पे गाइस एक मतलब एक स्टोर है, यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं। तो चलो भाई बंदे के मत्थे पे गन रखते हैं और उसको बोलते हैं जितने पैसे हैं ना तेरे पास आराम से मेरे को दे दे, तेरी ऐसी की तैसी, इसके ऊपर गन तान दे, चल पैसा दे, जितना भी तेरे पास पैसा है ना सबका सब निकाल दे, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, मैं यहाँ पे गन नहीं चलाना चाहता, जल्दी जल्दी कर, कोई आ तो नहीं रहा, जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर, तेरे को बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी कर दे, जल्दी जल्दी जितना पैसा सबका सब निकाल दे।
सबका सब जल्दी जल्दी निकाल दे, जल्दी 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 भाई साहब जी, जल्दी जल्दी निकाल दो, टाइम नहीं है इतना, मोबाइल लेना है मेरे को अपने लिए। तो हमको गाइज मिला है $350 तेरी ऐसी की तैसी गरीब आदमी भाई। ये हमने सप्रेसर वाली गन थी हमारे पास, तो चलो घर अंदर रख लेते हैं ताकि कोई और देख ना ले भाई। एक सेकेंड, ये लड़ने के, अबे ये मेरे साथ तेरी ऐसी की तैसी, ये मेरे साथ लड़ना चाहते। एक सेकेंड, इनको ना भाई अगर ये लड़ना ही चाहते तो बैट से आओ। तेरी ऐसी की तैसी, निकल निकल अंकल जी, तू भी निकलो, आप भी निकलो, चलो निकलो निकलो। अबे क्यों लड़ने आ रहे हैं भाई, इनके अलग ही चौड़ है भाई, ये गांव वाले बंदों की ना अलग ही चौड़ है, पता नहीं क्या समझते अपने आप को। चलो गाइस हमने इनको मार दिया अभी ना यार, बस गलत काम कोई नहीं करना। ये मैंने इनको इसीलिए मारा भाई, ये यहाँ के ना गुंडे वुंडे हैं, तो इनको सबक सिखा दिया चारों को भाई, एक एक बैट मारा मुँह पे, सबको अकल टिकाने आ गई। चलो भाई हमको अभी $350 मिला और $21 है हमारे पास, $400 भी अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी और कम पैसे जोड़ने हमको और कोई शॉप ढूंढनी पड़ेगी हमको। तो चलो गाइस यार मैं अपनी गाड़ी भगाता भगाता बहुत ज़्यादा दूर तक आ चुका हूँ, और यहाँ पे भाई एक और स्कोर शॉप है, और इसको भी आराम से लूट लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अभी मोबाइल तो कम से कम आएगा भाई, मोबाइल आने के बाद डगन बोस की ऐसी की तैसी तो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। चल जल्दी जल्दी अंकल जी पैसे निकालो, पैसे निकालो जल्दी जल्दी यहाँ से, पैसे निकालो जल्दी जल्दी। और भाई कोई आ तो नहीं रहा ना, पुलिस की गाड़ी, पुलिस की गाड़ी, अबे तेरी ऐसी की तैसी, अगर तूने बताया ना पुलिस को कि मैं यहाँ पे हूँ तू देख लियो भाई। पुलिस की गाड़ियाँ क्यों आई यहाँ पे भाई, मुझे कहीं लग तो नहीं भाई, कोई ऐसा तो नहीं भाई, पुलिस वालों को पता तो नहीं चल गया कि माइकल यहाँ पे है। अबे तेरी ऐसी की तैसी भाई, मुझे लग रहा है ना पुलिस वालों को कहीं ना कहीं पता चल गया कि माइकल यहाँ पे है। और भाई साहब पुलिस वाले, एक सेकेंड, कोई नहीं है, अबे चले गए भाई, ये चले गए कि मेरे लिए खड़े हैं आगे जाके मुझे नहीं पता। तो चलो अंकल जी आप पहले पैसे दो मेरे को भाई, ये सुने 250, तेरी ऐसी की तैसी, किसी के पास पैसा ही नहीं है क्या भाई, ये मशीन भी किसी काम की नहीं है, पैसा ही नहीं है भाई किसी के पास। चलो अंकल जी का ये सब कुछ तोड़ के ही चले जाते हैं यहाँ पे भाई। हमारे पास अभी भी कितने हैं भाई, $600, अभी हमको $800 चाहिए, $200 और चाहिए भाई, मोबाइल लेना है भाई, कम से कम $200 और चाहिए, अभी शॉप ढूंढनी पड़ेगी और कोई। तो चलो गाइस मेरे को एक अभी अपने गूगल मैप पे एक और शॉप मिली है, और वहाँ पे जाके तीसरी रॉबरी भी करते हैं, और भाई बस जो है ना माइकल की फैमिली को पता ना चले। और भाई पुलिस को कैसे पता चला कि माइकल यहाँ पे, और 2 मिनट के बाद पुलिस चली भी गई भाई, कहीं पर पुलिस ने इस गाड़ी में कुछ लगा तो नहीं दिया भाई कहीं पर, नहीं यार मुझे नहीं लग रहा। बट मैं घर से जाने से पहले ना इस गाड़ी को कहीं और खड़ा करके जाऊंगा, अगर पुलिस इस गाड़ी के पीछे पीछे आई ना तो मुझे लग रहा है ना भाई पुलिस ने GPS लगाया है पक्का, क्योंकि पुलिस को पुलिस आई और चली गई, उसने कुछ ऐसा तो किया है भाई माइकल को पकड़ने के लिए, कुछ तो ऐसा किया है। तो चलो कोई बात नहीं, वो चीज़ों के बारे में बाद में सोचते हैं, पर घर में मैं ये लैम्बोर्गिनी शियान लेके नहीं जाऊँगा, ये मैं ध्यान में रखूँ बस अपने। और यहाँ पे हम आ चुके अपनी तीसरी शॉप पे, और ये पहले भाई साहब ये जो दोनों बाहर खड़े हैं ना पहले इनको भगाना पड़ेगा। नहीं यार कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं करना, मेरे को सीधा अंदर जाना, पहले आराम से अंदर जाना है, कुछ भी नहीं करना, किसी को पनक तक नहीं लगनी चाहिए कि हम यहाँ पे आए हैं। तो चलो गाइस यार हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ का शॉपकीपर कहाँ पे है भाई, शॉपकीपर बाहर खड़ा है मुझे लग रहा है। एक सेकेंड मुझे ना इसकी जो मशीन है ना इसकी, इसी को ब्लास्ट कर देते हैं, इसी को तोड़ देते हैं, इसमें से अपने आप पैसा निकलेगा देखते हैं। चलो भाई ये मशीन तो खुली है, एक सेकेंड ये इसमें से पैसा देखते हैं भाई, ये हमको मिले $99, क्या मजाक क्या चल रहा है भाई, ये भाई $800 होने में ही नहीं आ रहे, एक और शॉप है आगे जाके, अभी उसके उसने अगर पैसे ना दिए ना ढंग से तो भाई मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ सब कुछ। और आगे जाके एक और शॉप है भाई, अगर उसमें से पैसा ना निकला तो सब कुछ ब्लास्ट कर दूंगा भाई, क्या $800 भी होने पे नहीं आ रहे भाई, क्या हो रहा है यार, हमने मोबाइल लेना है भाई मोबाइल, यार क्या बताऊँ मैं। तो चलो गाइस अभी हम अपनी गाड़ी भगाते भगाते पहुँच चुके हैं ये वाली शॉप में भाई, ये वाली शॉप में मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ होगा, ये सुपरमार्केट है। चलो पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ, गन को अंदर रख लेते हैं भाई, पहले गन का पता लगने देना, मुझे लग रहा है ये 24/7 खुली वाली शॉप है। तेरी पैसे का निकाल, पैसे निकाल, पैसे भाई भाग गया, अबे तेरी ऐसी की जैसी तेरे को बोला पैसे निकाल, मुझे निकालने पड़ेंगे इसमें से पैसे। चल 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 चल, चलो गाइस गन अंदर रखता हूँ और जल्दी जल्दी पैसे यहाँ से मैं ही निकाल लेता हूँ भाई। और मेरे को मिले हैं कुछ $800, हो जियो $800 भाई, $804 हो चुके हैं। और गाइज अगर हम आए हैं ना तो यहाँ पे एक और शॉप नज़दीक है तो उसको भी लूट लेते हैं, क्योंकि भाई $800 लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, मतलब $2। ओ भाई नहीं यार, इतने गरीब बन के भी नहीं जाना भाई, इतने गरीब भी नहीं है, एक शॉप तो और लूटनी है मुझे, वो वाली शॉप यहाँ से बहुत नज़दीक है, और ये वाला लास्ट शॉप लूट के ना उसके बाद सीधा चलते हैं मोबाइल खरीदने के लिए, मोबाइल खरीद के उसके बाद फिर भाई अपना जो है ना डगन बॉस एल रूबियो
लिबर्टी फ्रंट और मिनी मद्राजो, इन चारों को मारने की तैयारी कर देते हैं भाई। इन्होंने हमारा जीना खराब किया हुआ अभी तक ना। मेरे को पता क्या लग रहा है, ये सब चारों को क्या लग रहा है कि अभी तक माइकल जो है वो प्रिजन में है। उनको पता ही नहीं है कि माइकल बाहर आ चुका है और तुम सबकी बैंड बजाने के लिए आ चुका है। अबे यार यार लैम्बोर्गिनी को ऐसे चढ़ाऊंगा कुछ खराब ही ना हो जाए लैम्बोर्गिनी में। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी घर से जाने से पहले ना अपनी लैम्बोर्गिनी को बाहर ही कहीं ब्लास्ट करना पड़ेगा, या फिर मुझे बहनी को देनी पड़ेगी ये लैम्बोर्गिनी। पर बहनी को नहीं दूंगा यार, मुझे ना कहीं बाहर ही खड़ी करके अपने घर पे जाऊंगा, ठीक है। और मैं देखना चाहता हूँ कि ये गाड़ी के पीछे पीछे पुलिस आती है या नहीं। तो चलो गाइस इस वाली स्टोर में लास्ट पहुंच चुका हूं, और ये पेट्रोल पंप के पास है भाई, इसमें तो पैसा होना चाहिए भाई, इसमें तो पैसा 100% मेरे को मिलेगा। और ये भाई साहब जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। चलो गाइस इसके बीच में तो मुझे लग रहा है पैसा मिल जाएगा। चल खोल, पैसे निकाल, जल्दी मैं सब कुछ तोड़ दूंगा, पैसे निकाल जल्दी। सप्रेसर लगा हुआ है गन में, किसी को बाहर पता भी नहीं चलेगा। पैसे निकाल। चलो भाई साहब जी इसके पास तो बहुत सारे पैसे निकले भाई, हमारे पास $1300 हो गए। एक सेकंड भाई साहब जी, तेरी ऐसी की तैसी, तू पुलिस को बताने जा रहा है? पुलिस को बताने जा रहा है तू? भाई साहब जी पुलिस को बताने जा रहा था, एक सेकंड, मैंने इसको यहीं पे चिपका दिया। तो चलो गाइस हमारे पास अभी हो चुके हैं $1200 के आसपास। तो चलो गाइस अभी जल्दी से अपन मोबाइल खरीद लेते हैं, मोबाइल खरीद के उसके बाद भाई डगन बॉस की ऐसी की, मतलब डगन बॉस है ये चारों की भाई बैंड बजाने की तैयारी कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ भाई मोबाइल खरीदने वाली शॉप पे। तो मैं जल्दी निकलता हूँ भाई डिजिटल डेन में, और वहां पे जाके मोबाइल खरीद लेते हैं प्यारा सा। चलो गाइस मैं अपनी गाड़ी में गाता भाई काफी ज्यादा दूर तक आ चुका हूं, और गाइस आप लिटरली देख पा रहे हो भाई लैम्बोर्गिनी कितनी बढ़िया तरीके से भागती है। मतलब यार इसकी जो हैंडलिंग है ना वो सबसे प्यारी लगती है यार मेरे को, बस यार सही से चलाता जाऊं, और इसके अंदर जो भाई पुलिस वालों ने किया है ना बस वो चीज ना हो, और मेरे को किसी चीज का डर नहीं है। और लिटरली आप देख पा रहे हो भाई सिनेमैटिक व्यू में क्या ही प्यारी लगती है अपनी लैम्बोर्गिनी। सिनेमैटिक व्यू में देखो आप कितनी प्यारी लगती है अपनी लैम्बोर्गिनी। तो यहाँ से जल्दी जल्दी हम पहुँच चुके हैं अभी अपना मोबाइल खरीदने वाली शॉप में, मतलब डिजिटल डेन में। वहाँ पे जाके अपना एक अच्छा सा प्यारा सा मोबाइल लेते अपने लिए। चलो मेरे को गाइस ऊपर चढ़ना है। अबे यार जगह दे दो भाई, मुझे आराम से जाना पड़ेगा भाई, मुझे आराम से जाने की आदत नहीं है मेरे भाई, साइड पे हो जाओ क्योंकि मुझे जल्दी है। और लैम्बोर्गिनी है मेरे पास, कोई छोटी मोटी कोई सिंपल सी गाड़ी नहीं है कि मैं तुम लोगों का वेट करता जाऊँ। चलो गाइस मैं यहाँ पे नीचे पहुँच चुका हूँ, डिजिटल डेन जो है ना वो साइड पे जाके, मतलब यहाँ पे मेरे को लेफ्ट लेना थोड़ा सा आगे जाके, और लेफ्ट लेते ही डिजिटल डेन में हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे डिजिटल डेन है, और मेरे को यहाँ से सीधा जाना है, सीधा जाके राइट लेना है, राइट पे सीधा जाके अपना डिजिटल डेन है, वहाँ से जाके एक प्यारा सा मोबाइल खरीद लेते हैं। हमने मोबाइल का प्राइस तो पता कर लिया था, आई फ्रूट का ही मोबाइल लेंगे यार, और किसी कंपनी का मोबाइल नहीं लेना। जो हमारे पास पहले था ना वो बहुत बढ़िया था, पहले मैंने कोई और कंपनी का मोबाइल लेके ना बस यही काम किया। आज चौथी बार हम अपने लिए फ़ोन खरीदने जा रहे हैं भाई, कितनी बार हमने अपने लिए फ़ोन खरीदा है। तो एक बार चलो गाइस अंदर चलते हैं। ये भाई साहब जी क्या देख रहे हैं? अबे तेरी पिन थोड़ी ना देखूंगा, निकल यहाँ से। चलो $16 तो हमको ये भी देके गया। तो चलो गाइस अंदर चलते हैं। चलो भाई साहब जी हमको एक फोन दिखा दो बस आप। ओके गाइस यार मेरे पास भाई आ चुका है फोन। गाइस आप लोग लिटरली देख पा रहे हो मैंने सिम विम भी डलवा लिया, और तीन मैसेज भी आ गए। पता नहीं किसके तीन मैसेज आए, पता नहीं यार किसके मैसेज है। और मेल्स तो भाई हमको कितने सारे आ रखे हैं, ये मेल्स आते ही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने मोबाइल ले लिया, और हम अपने लिए एक लैपटॉप भी लेंगे अभी नहीं, थोड़ा सा देर के बाद। और यहाँ पे इनके पास बहुत कुछ है, पहले मैं जाके देख लूँ भाई जो हैकर है ना वो कुछ कर तो नहीं रहा अभी, वो सुधर गया कि नहीं। भाई साहब जी साइड हट जाओ, मेरे को नीचे जाने दो। और यहाँ पे नीचे जाके जो हैकर रहता है ना पहले उसके पास चलता हूँ, मैं नीचे चलता हूँ। और चलो गाइस नीचे, यहाँ पे अपना हैकर है ही नहीं भाई, क्या है यहाँ पे हैकर है नहीं। मुझे लग रहा है यहाँ पे नीचे ना हो कहीं, एक मिनट यहाँ पे नीचे भी जाके देख लेते हैं। नहीं कुछ नहीं है भाई यहाँ पे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं। अबे ठीक है कुछ नहीं है यहाँ पे, इन्वर्टर रख रखा है इसने, बैटरी वगैरह जिससे ये सब कुछ चलाता है। और यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है भाई, मुझे लग रहा है वो सुधर गया। अगर हमारे अभी पैसे कटे ना तो भाई साहब जी मैं इसको छोड़ देने वाला, ये शॉप ही उड़ा के जाऊंगा आरपीजी से, या फिर यहाँ पे स्टिकी बॉम्ब लगा के पूरी शॉप उड़ा दूंगा अगर इस बारी पैसों का कुछ भी मेरे साथ धांधली हुई तो। इस बारी पैसों की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मुझे नहीं लग रहा भाई यहाँ पे कोई हैकर फ्रेंड वो कर रहा होगा। नहीं भाई यहाँ पे तो किचन है इनका बेचारों का। और ऊपर जाके देख लेते हैं, हैकर जो है वो इनका ऊपर तो नहीं रह रहा भाई। यहाँ पे गाइस देख पा रहे हो, बे तेरी ऐसी की तैसी भाई, कितना बढ़िया बना रखा इन्होंने तो। चलो गाइस ऊपर भी नहीं है हैकर यार जो इनका है भाई। चलो भाई इन्होंने यार मोबाइल वगैरह, मतलब यहाँ पे पीसी वगैरह कैफे भी खोल रखा है इन्होंने,
तो चलो यार गाइस, अपनी हमने मोबाइल ले लिया है अपने लिए, तो अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं भाई इस शॉप से बाहर और देखते हैं भाई हमको अभी क्या करना है। चलो गाइस, जरा हम इस शॉप से बाहर आ चुके हैं, फ़ोन हमने ले लिया है बहुत बढ़िया $800 का। और अभी तो क्योंकि सर अपनी लैम्बोर्गिनी शियान में बैठ जाते हैं और जल्दी जल्दी कोई ना कोई अपने लिए काम ढूंढते हैं ऐसा जिससे हमको पैसे मिल पाए। भाई लिटरली सच्ची कह रहा हूँ गाइस, पैसों की इतनी ज़्यादा कमी आ गई ना अभी भाई, घर पे भी कोई पैसे नहीं है। अभी तो भाई जो गाड़ियाँ ली थी ना वो भी $200 मिलियन हमको लिबर्टी वाले फ्रेंड को वापस करना है। तो चलो गाइस यार, यहाँ से हम एक बार निकल जाते हैं और कुछ ना कुछ सोचते हैं भाई हमको कभी क्या करना चाहिए। तो क्योंकि सर हम चलते चलते ना काफ़ी ज़्यादा दूर तक आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा आगे जाके राइट लेना है और उसके बाद ना हम जो है भाई लेस्टर को जाके बताते हैं भाई इतनी ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम आ चुकी है। लेस्टर मुझे लगता है भाई कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा, तो जल्दी जल्दी निकलते हैं लेस्टर के घर की तरफ। तो चलो गाइस सर चलते चलते भाई, एकदम से ये बम क्या ब्लास्ट हुआ? अभी ये कौन है? ओए 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 क्या हुआ एकदम से? कौन हो भाई आप लोग? ओए ओए भाई गाड़ी उड़ा दी तेरी उसकी, तुझे भाई निकल 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 माइकल, जल्दी जल्दी निकल, गाड़ी में आग लग चुकी है भाई, जल्दी जल्दी निकल भाई माइकल, गाड़ी में से आग लग चुकी है। ओबे ओबे रुको रुको रुको, अबे क्यों मार क्यों रहे हो? एक सेकंड भाई बता दो, एक सेकंड मार क्यों रहे हो मेरे को? अबे यार आरपीजी भाई, एकदम से इतना मार क्यों रहे हो तुम लोग, मुझे ये तो बता दो भाई। एक बार रुको, एक बार प्लीज प्लीज प्लीज, सबके सब रुक जाओ भाई, मेरे पास तो एक ही गन है, मैं अगर तुमको गन से भी मारूंगा तो तुम एकदम से मेरे को आरपीजी से उड़ा दोगे भाई, मैं अपना बचता जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज एक बार रुक जाओ ना, प्लीज एक बार रुक जाओ भाई, कितनी ज्यादा नजदीकी से निकली तेरी भाई, एकदम एक दिन बस एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ प्लीज, जल्दी जल्दी सबके सब एक बार रुक जाओ प्लीज यार, मैं बैठ के बात करूंगा ना, एक बार रुक जाओ। तो गाइस काफी देर इन्होंने मेरे को इतना मारा, अभी ये सब रुक चुके हैं। अभी ये बंदा बोल रहा है तू मेरे साथ चल भाई, ये मेरे को कहाँ पे लेके जाना चाहता है। और भाई देखो गाइस, देख पा रहे हो कैसे इन्होंने मेरे ऊपर आरपीजी मतलब एम करके रखी हुई है भाई, क्या कहने का चाहते हैं ये? ओके गाइस यार, ये बंदे के कहने पे भाई मैंने मास्क उतार दिया। ये बंदा मेरे को बोल रहा है हमने तेरे को पहचान लिया था कि तू माइकल है, ठीक है, तो ज़्यादा बनने की कोशिश मत कर, ये मत सोच कि तूने अगर मास्क लगा ली तो हम तेरे को पहचान ना पाए। ये बंदा बोल रहा है चल मेरे को फॉलो कर, मैं तेरे को एक जगह पे लेके जाना चाहता हूँ। तो चलो गाइस मुझे ना इस बंदे के पीछे पीछे जाना है। और भाई इन्होंने मेरे ऊपर पूरी मतलब एम करके रखा हुआ, ये कह रहे अगर तुमने कोई भी चलाकी की ना तो तुम्हारे ऊपर एकदम से हम आरपीजी मारेंगे। और ये बंदा मेरे को कहाँ पे लेके जाना चाहता है? अबे ये कहाँ पे जा रहा है भाई, ये तो बंद दीवार पड़ी है, यही रुक गया। अबे क्या करना है? ओ ओ भाई, ओ भाई 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, एल रूबियो लिबर्टी फ्रेंड और मिनी बद्रासो तीनों यहाँ पे। और भाई एल रूबियो बोल रहा है चल घुटने पर बैठ अपना। तो भाई हम घुटने के बल बैठ चुके हैं, एल रूबे बोल रहा है ध्यान से मेरी बात सुन। भाई मुझे तो लग रहा था कि वो घर जो ब्लास्ट हुआ है ना उसमें एल रूबे मर गया, पर ये तीनों के तीनों यहाँ पे। पर डगन बोस कहाँ पे है भाई? डगन बोस का कोई सीन आता पता नहीं है, डगन बोस कहाँ पे है भाई? अगर ये तीनों यहाँ पे तो डगन बोस कहाँ पे है? चलो गाइस मैं एल रूबे से बात कर लेता हूँ एक बारी। तो गाइस मेरी एल रूबे से बात हो चुकी है भाई, ये बोल रहा है डगन बोस ने तुम्हारी सारी फैमिली को तुम्हारे ही घर पे किडनैप करके रख लिया है और तुम जाओ अपने घर पे, मेरे तीन चार बॉडीगार्ड आरपीजी लेके तुम्हारा पीछा करेंगे, एक गाड़ी में बैठेंगे, तुम ये साइकिल लेके अपने घर पे जाना क्योंकि तुम्हारी गाड़ी जो है इन्होंने ब्लास्ट कर दिया, तो तुम इस साइकिल पे जाना गाइस। लिटरली हमारे पास एक भी अभी वेपन भी नहीं है और ऊपर से पैसे भी नहीं है भाई, ऊपर से डगन बॉस ने मेरी फैमिली को किडनैप कर लिया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस, अब क्या होगा? मुझे जल्दी जल्दी अपनी फैमिली पे पहले देखना पड़ेगा। और ये कह रहा है जल्दी जल्दी निकल यहाँ से अपने घर की तरफ। तो चलो यार गाइस मेरे को अपने घर पे जाना होगा। तो चलो गाइस यार मेरे को इस साइकिल पे बैठना है और वो बंदा भाई कोई गाड़ी पे गया है। चलो यार मुझे इस साइकिल पे बैठना है, अभी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकलना होगा यार मेरे को। तो चलो गाइस मैं अपने घर की तरफ पहले निकलता हूँ। और ये बंदा एक गाड़ी में बैठा है और ये गाड़ी निकाल रहे हैं भाई, ये बंदे मेरा पीछा करेंगे और ये मेरे को बोल रहा है 2 मिनट रुक मैं तेरे पीछे ही आ रहा हूँ। तो चलो गाइस यार इस बंदे ने गाड़ी अपनी निकाल ली और ये बंदा बोल रहा है चल चल मैं तेरे पीछे पीछे ही हूँ। तो चलो गाइस यार ये बंदा आ चुका है, ये बंदा बोल रहा है अपना सीधा सीधा अपने घर की तरफ निकल, मैं बिल्कुल तेरे पीछे पीछे ही हूँ। गाइस आप देख पा रहे हो भाई मेरा कैसे ये बंदा पीछा कर रहा है। तो चलो गाइस मैं अपने घर की तरफ निकलता हूँ और ये बंदा देख पा रहे हो भाई बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहा है। तो चलो यार गाइस थोड़ी सी साइकिल को तेज भगाना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार ये बंदा बिल्कुल ही भाई मेरा पीछा करता ही जा रहा है। तो चलो गाइस मैं अभी जल्दी जल्दी निकलता हूँ अपने घर की तरफ और वहाँ पे जाके देखते हैं भाई अपनी फैमिली को क्या होगा, मेरे को पूरा भगाना पड़ेगा। तो चलो गाइस यार मुझे ना अपने घर की तरफ निकलना होगा, ये बंदा बिल्कुल भाई मेरा पीछा करता करता आ रहा है और ये बोल रहा धीरे धीरे चल नहीं तो भाई मैं तेरे अंदर ठोक दूंगा। भाई कोई बात नहीं भाई, धीरे नहीं जा सकता प्लीज, मेरी फैमिली की बात है भाई, मैं धीरे कैसे चला जाऊं। और ये भाई बंदा बिल्कुल ही मेरा पीछा करता करता आ रहा है। भाई अगर मैंने थोड़ी सी मेरा मन कर रहा था मैं चलाकी करूं, बट अब मैं कर नहीं सकता भाई, अगर मैंने चलाकी करने की कोशिश की तो ये
कुछ भी कर सकता है भाई। आरपीजी इसके हाथ में कोई छोटी मोटी गन नहीं है। आरपीजी से भाई मैं पूरा उड़ जाऊंगा। मेरी गाड़ी गाइस आप लोगों ने देखा था कितनी गंदे तरीके से इन्होंने मेरी गाड़ी को उड़ाया था। अभी ना मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ अपने घर की तरफ और जाके वहाँ पे चेक करता हूँ भाई। तो चलो गाइस जरा मैं अपनी गाड़ी अपनी साइकिल भगाता भगाता पहुँच चुका हूँ अपने घर के आसपास पहुँच चुका हूँ। इधर बस थोड़ा सा पीछे जाना है, थोड़े से आगे जाके मतलब थोड़ा सा लेफ्ट राइट लेके मेरा घर आ चुका है। और ये भाई मैं अपने घर के बैक साइड आ चुका हूँ। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है और ये बंदा भाई बिल्कुल मेरा पीछा ही करता जा रहा है। और यहाँ से मेरे को भाई अंदर जाना है और आगे जाके थोड़ा सा लेफ्ट लेना है। तो चलो गाइस मैं अपने घर की तरफ आ चुका हूँ। मुझे अपना साइकिल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। भाई ये बंदा यहीं पे रुक गया। ये बंदा बोल रहा है कि मैं यहीं पे तेरी वेट करूंगा, तू जा अंदर। भाई वेट करूंगा क्या मतलब होगा, मैं अभी वापिस आऊंगा क्या? भाई अब कुछ करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये मेरे को कहीं और लेके जाना चाहते हैं। जो ये बंदा बोल रहा है तू जल्दी जल्दी होके आ, मेरे को तेरे को मैं तेरी वेट कर रहा हूँ। भाई वेट करना हूँ क्योंकि मतलब ये तो मेरा ही घर है ना भाई। मुझे जल्दी जल्दी जाके अपनी फैमिली को अंदर ढूंढना पड़ेगा भाई, अंदर जाके देखना पड़ेगा इन्होंने मेरी फैमिली को कहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ है। मतलब डगन बॉस ने कहाँ के किडनैप करके रखा हुआ है भाई? घर पे यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। एक सेकंड भाई ऊपर जाके देखना पड़ेगा, ऊपर तो नहीं है कहीं कोई। भाई ऊपर ये वाले मेरे रूम में भी कोई नहीं है। और इधर जाके देख रहा हूँ भाई, इधर जाके जिमी भी अपने रूम में नहीं है। एक सेकंड ये क्या है दिक्कत भाई? मुझे लग रहा है भाई डगन बॉस ने कहाँ पे किडनैप करके रखा हुआ है। भाई एक बार मैं ट्रेसी का रूम चेक कर लेता हूँ, ट्रेसी के रूम में भी कोई नहीं है भाई साहब। इसने कहाँ पे मेरी फैमिली को किडनैप करके रखा हुआ है? मेरे को कुछ समझ में आ रहा, मुझे बाहर की तरफ जाके देखना पड़ेगा मेरी फैमिली को कहाँ पे किडनैप कर रखा है। यहाँ पे तो मैंने सब जगह देख लिया, कोई नहीं है। एक सेकंड मैं बाहर जाके भी देख लेता हूँ, कोई नहीं है भाई। कहाँ पे है फैमिली मेरी, कहाँ पे किडनैप करके रखा है? तो क्या सर मैं काफी देर हो गई अपनी फैमिली को ढूंढ रहा हूँ भाई, मेरे को मेरी फैमिली नहीं मिल रही। यहाँ पे टेनिस कोर्ट भाई साहब, भाई बंदों ने मेरे ऊपर भी एम कर दिया। अबे की ऐसी की तैसी भाई मेरी फैमिली, भाई 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 नहीं 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 एक सेकंड भाई साहब मेरे ऊपर एम कर दिया इन्होंने। और डगन बॉस ये रहा भाई, सब के सब विलन्स ऐसे ही हैं भाई, कोई भी अभी तक मरा नहीं है भाई। अब तो मेरे ऊपर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, सारी फैमिली भाई मेरी। भाई जिमी को अगर कुछ हो गया ना मैं सच्ची पागल कर दूंगा तुम लोगों को। और भाई डगन बॉस बोल रहा है अगर तुम अपनी फैमिली को यहाँ से मेरे से छुड़वाना चाहते हो ना तो तुमको मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो ये है कि तुम यहाँ पे अपने हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ, उसके बाद मैं तेरे को काम बोलूंगा, वो काम तेरे को मेरे लिए करना पड़ेगा, उसके बाद मैं तेरी फैमिली को छोड़ूंगा। भाई वेपन्स है नहीं, पैसे है नहीं, कुछ कर नहीं सकता, अपनी फैमिली को ऐसे बर्बाद होते देख नहीं सकता, अब तो कुछ करना पड़ेगा भाई। कितने सारे बॉडीगार्ड सब ने मेरे ऊपर एम किया हुआ है और कुछ ने एम किया हुआ है फैमिली पे। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी करने की गड़बड़ करी, कुछ भी गड़बड़ करी ना, या तो ये सीधा गोली मेरी फैमिली पे चलेगी या मेरे ऊपर चलेगी। अब तो कुछ ना कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा, पर अब पहले तो डगन बॉस के लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को हैंड्स अप करना पड़ेगा। तो क्या सर मैंने अपने हैंड्स अप कर दिए, प्लीज अभी प्लीज मेरी प्लीज जिमी को मत मारो यार, मैंने अपने हैंड्स अप कर लिए ना, प्लीज जिमी को तो मत मारो ना यार। ओके गाइस सर मेरे कहने पे भाई इन्होंने जिमी को मारना तो बंद कर दिया, पर भाई जिमी को इतना ज्यादा मारा और जिमी भाई खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इधर से हमारी बैंड बजी पड़ी, अभी डगन बॉस के लिए काम भी करना पड़ेगा। तो चलो गाइस करता हूँ इस वीडियो का एंड। गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो को अच्छे से कमेंट भी कर देना, वीडियो को दबा के शेयर भी कर देना। मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। डिस्कॉर्ड और इंस्टा दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस ऐसी तगड़ी धमाकेदार वीडियो के साथ, तक के लिए गुड बाय।